देखिए यहाँ पर कितना सुंदर करेला है। तो दोनों सामान हम लोग का फूल हो चुका है दोस्तों, और एकदम खलखला के धोएंगे। हम लोग बाजार पहुंच गए हैं, देखिए रंगीला रंगीला पापा सोनम लीजिए लीजिए लीजिए, ताजा करेला लीजिए 5 रुपया किलो, 5 रुपया पीस की किलो। ऐसा लग रहा है ना कि अब हम लोग कभी नहीं आएंगे बाजार। तो उधर से हम लोग इधर आ गए दोस्तों, क्योंकि उधर बेचने के लिए नहीं दिया, और हम लोग को लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा भी हो गया दोस्तों करेला बेचने के चक्कर में। छांट के लीजिए, चुन के लीजिए, बढ़िया करेला लीजिए। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय है और अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों करेला बारी, करेला तोड़ने के लिए। आज बाजार चलेंगे दोस्तों करेला बेचने के लिए, है ना जी? हाँ जी। क्योंकि काफी सारा करेला हम लोग का निकल रहा है, तो सोच रहे हैं कि आज हम लोग लेकर के चलेंगे बाजार। आज ज्यादा निकलेगा और भी, है ना जी? हाँ। क्योंकि अभी भरखरी चल रहा है, तो चलिए लेकर के चलते हैं। टॉप ले लेंगे और पथिया। देखिए अभी दोनों में फूल हो जाएगा, इतना ज्यादा निकलेगा। और आज गर्मी भी काफी बढ़ा दिया है दोस्तों, ये देखिए कैसा फ्रेस धूप उगा हुआ है। और देखिए थोड़ा सा भी हवा वगैरह नहीं चल रहा है, काफ़ी गर्मी लग रहा है। तो अब फटाफट चलते हैं दोस्तों करेला बारी। चलिए जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी तोड़ करके फिर धोना भी पड़ेगा। तो हम लोग आ गए दोस्तों करेला बारी। देखिए ये रहा हम लोग का करेला बारी, देखिए कितना सारा लार चढ़ा हुआ है एकदम झाँख में। और यहीं पर निकलेगा दोस्तों मस्त मस्त करेला, एकदम ताज़ा ताज़ा हरा हरा करेला, क्या जी? चलिए, अच्छा माँ तोड़ करके रख दिए थे, चलिए बढ़िया हुआ हम लोग को मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों, इधर से ही शुरुआत करते हैं। कविता जी तो आगे चल गए, देखिए हम लोग का पीछे पीछे रंगीला बाबू भी आ गया, क्या बाबू? चलो 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 उधर तोड़ेगा, चलो खाली चॉकलेट खाते रहता है, चलो उधर। और देखिए ये रहा दोस्तों हम लोग का सेकेंड कलवट, देखिए यहाँ पर भी हम लोग सारा सामान रख दिए हैं। देखिए कितना सारा सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है, देखिए पाइप वगैरह रख दिए हैं, लकड़ी रख दिए हैं, देखिए उधर पटरा है, यहाँ भी हम लोग का रखने के लिए सामान रखने का एकदम पूरा स्पेशल जुगाड़ हो गया। तो हम लोग ये साइड आ गए दोस्तों, इधर से ही तोड़ते तोड़ते जाएंगे उधर, है ना जी? अच्छा तो इधर ही रख देते हैं दोस्तों टॉप को, क्योंकि यहाँ पर छाया है, देखिए कितना अच्छा छाया लग रहा है एकदम। यहाँ पर बाँस का बूदा है ना, बढ़िया छाँव लगेगा, इधर ही रहेगा तो गोसवाएगा नहीं करेला, पूरा एकदम ताज़ा रहेगा। देखिए इधर हम लोग का ननुआ भी पूरा एकदम मस्त मस्त है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा एकदम ताज़ा ताज़ा है, और पूरा एकदम बालक बालक है, ये सब बढ़िया लगेगा खाने में। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी है, बहुत सारा ननुआ फरा हुआ है दोस्तों। देखिए इधर माँ भी आ गई दोस्तों करेला तोड़ने के लिए, क्या माँ? हाँ फटाफट तोड़िए, हम भी चलते हैं दोस्तों फटाफट तोड़ते हैं तीनों आदमी मिल करके, है ना माँ? हाँ चलिए जल्दी जल्दी तोड़िए, अभी बाजार निकलना पड़ेगा। देखिए इधर क्या ही मस्त मस्त करेला है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम ताज़ा करेला है, ये देखिए कितना मस्त एकदम बालक बालक है, यहीं पर काट देंगे। देखिए माँ रखते जाइए आप, है ना? हाँ, हम काटते जाते हैं। देखिए इधर और भी है दोस्तों, देखिए एक ही झाँक में कितना ज़्यादा टंगाया हुआ है, देखिए पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक करेला ही दिख रहा है, क्या जी? चलिए खट खट काटिए, माँ को देते जाइए। देखिए उधर से पिताजी भी आ गए दोस्तों करेला तोड़ने के लिए, फेटा बांध के आए हुए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा धूपे लगता है ना, पूरा एकदम हालत खराब कर देता है, सब पौधा मर गया है। अरे बाप, सब तो पौधा थी फार एकदम मसुआ आ गया है, कहे कि धूप बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग पूरा परिवार आ गए दोस्तों करेला तोड़ने के लिए, अब जल्दी हो जाएगा तोड़ा हुआ। उधर माँ पिताजी और कविता जी उधर तोड़ रहे हैं बीच में, हम इधर तोड़ते हुए जाएंगे। देखिए इधर पूरा झोपा झोपा है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर सुंदर एकदम लड़का हुआ है, इसको यहीं पर काटेंगे खूट खूट एकदम, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए पूरा ताज़ा करेला है। लो बाबू पकड़ो, देखिए कितना मस्त झूल रहा है दोस्तों, ये पूरा बालक करेला है। देखिए अब रंगीला काटने जा रहा है दोस्तों करेला, क्या बाबू?
काटो, आराम से काटना, ठीक ना? खुट के काट दिया। चलो यहाँ पर रखते जाओ टोकरी में। लेता तो कोई हाँ हाँ सब लेगा। लो बाबू इधर रखो। देखिए ये सब कितना अच्छा अच्छा करेला है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम सीधा है और पूरा बालक। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर करेला है। देखिए हम और रंगीला मिल करके इतना सारा करेला काटे दोस्तों। देखिए हम लोग का बारी का करेला। ये देखिए कैसा कैसा करेला है। देखिए ये खूब में दो गो निकला, पूरा एकदम झोंपा झोंपा निकल रहा है क्या पिताजी? काटने में पूरा एकदम मजा आ रहा है। हम काटेंगे झोंपा झोंपा। अच्छा झोंपा झोंपा काटेगा। ये देखो इधर और एगो है। देखिए इतना ज्यादा धूप है दोस्तों, लेकिन हम लोग का धूप का एहसास नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा करेला निकल रहा है ना, हम लोग का रीझ लग रहा है काटने में। देखिए कितना सारा हम लोग काट लिए। देखिए ये तो फूल हो गया, उधर टॉप भी फूल हो गया है और अभी तक हये है, उस सबको भी काटना पड़ेगा। देखिए पिताजी भी एक खोइछा लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया तोड़े हुए हैं, पूरा हम लोग का टॉप भी फूल हो गया। तो दोनों सामान हम लोग का फूल हो चुका है दोस्तों। अब चलते हम लोग करेला लेकर के घर, फिर हम लोग ये सबको बिछना पड़ेगा, तब जा करके फिर भरेंगे, है ना जी? चलिए पानी देना हो। पानी से धोना भी पड़ेगा, तब और भी एकदम ताजा दिखेगा। अभी इधर माँ और पिताजी लगे ही हैं दोस्तों करेला तोड़ने में, वो लोग तोड़ेंगे और लेकर के आएंगे। तब तक चलते हम लोग बीच बाज करके रेडी रखेंगे क्या जी? चलिए। गरम हो गया, गरम हो गया, इतना ज्यादा धूप पे है ना, चप्पल भी गरम हो जाता है। आइए। करेला तो हम लोग ले ही आए दोस्तों सब तोड़ करके, अब चलते हैं फटाफट धोते हैं, है ना जी? देखिए इधर कविता जी एक टप पानी भर दिए, अब इसको यहीं पर उझाल देंगे और एकदम खल खला के धोएंगे। देखिए पूरा एकदम धोआ रहा है तो मस्त दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम ताज़ा ताज़ा और हरा हरा करेला है, मज़ा आ जाएगा बेचने में भी, है ना जी? तोड़ने में तो काफ़ी मज़ा आया, बेचने में भी मजा आएगा। तो सारा करेला धो करके बोरा में डाल दिया दोस्तों। ये देखिए एक बोरा हो गया और इधर देखिए एक पथिया भी हो गया। देखिए सब एकदम बढ़िया तरह से धो लिए हैं और डाल दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों फटाफट नहा लेते हैं, उसके बाद में रेडी होते हैं, है ना जी? आप तो सुबह ही नहा लिए हैं। हाँ नहा लिए। हाँ जल्दी से रेडी हो जाइए, हम नहा धो लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो नहा धो करके फ्रेश हो गए हैं दोस्तों। देखिए बढ़िया तरह से रेडी हो गए हैं, आप सीधे चलते हैं दोस्तों बाजार। देखिए इधर रंगीला बाबू भी रेडी हो गया है बाजार जाने के लिए, इसको भी जाने का मन कर रहा है ना बाबू? चलिए उठा दे। चलिए तो हम लोग चलते हैं दोस्तों नया वाला घर तरफ, वहीं पर स्कूटी खड़ी है, वहीं पर बांध लेंगे और लेकर के चलेंगे सीधा बाजार। आइए जी। देखिए यहाँ पर छाया में स्कूटी खड़ी है, अब गाड़ी घुमाते हैं और उसके बाद में बांध करके चलेंगे सीधा बाजार। देखिए इधर से सोनम भी आ गई दोस्तों, अब हम लोग तीनों आदमी चलेंगे बाजार और हम लोग के साथ में रंगीला बाबू भी जाएगा, यानी कि हम लोग चार आदमी जा रहे हैं बाजार करेला बेचने के लिए।
देखिए इधर स्कूटी खड़ी है, हाँ फटाफट घुमाते हैं और सीधे निकलते हैं। तो गाड़ी घुमा लिए दोस्तों, अब चलते हैं करेला लोड करते हैं स्कूटी में, क्या सुना? यहाँ पर दीजिए तो देखते हैं आटेगा जी। तो अब चलते हैं दोस्तों, आइए जी बैठिए, चलो बाबू चलिए जी बैठिए। तो अब हम लोग चले दोस्तों बाजार करेला बेचने के लिए। देखिए चार आदमी हम लोग जा रहे हैं करेला बेचने के लिए, क्या सुना? चलिए फटाफट चलते हैं। तो बाजार हम लोग पहुंच गए दोस्तों, देखिए इधर व्यापारी साहब सब्जी लेकर के रखे हुए हैं और कुछ कुछ लोड भी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग सब्जी मार्केट तरफ, क्योंकि हम लोग को खुला बेचना है। तो देखते हैं गाड़ी किधर खड़ी करने का जगह है, इधर ही चलते हैं, इधर से सामने पड़ेगा। तो अब इधर ही गाड़ी खड़ी करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया जगह है, देखिए यहाँ पर खाली है, आराम से हम लोग जो है गाड़ी खड़ी कर देते हैं और ले करके चलते हैं सीधा सब्जी मार्केट, क्या बाबू? देखिए रंगीला बाबू इसको भूख लग गया ना, गाड़ियों को चबा रहा। हम लोग बाजार पहुंच गए हैं, देखिए रंगीला रंगे पापा सोनम चारों जना पहुंच गए हैं बाजार। चलते हैं अभी बाजार की ओर, उधर बेचेंगे करेली सबको, चलिए। तो हम लोग आ गए दोस्तों सब्जी बाजार तरफ, अब देखते हैं जगह किधर मिलता है हम लोग को। देखिए कितना सारा सब्जी चढ़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम गांव देहात के लोग लेकर के आते हैं बेचने के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाजार लगता है, इसलिए पूरा सब्जी चढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक ठो खाली जगह है दोस्तों, यहीं पर बैठते हैं, लीजिए जी पकड़िए। तो करेला तो यहाँ पर रख दे दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह था इसीलिए। अब चलते हैं हम लोग दुकान लगाते हैं, क्या जी? तो करेला बेचने के लिए बाजार में बैठ गए हैं दोस्तों, देखिए सब ला करके खोल दिए हैं, अब आराम से कस्टमर लोग आएंगे और करेला देख करके ले जाएंगे। देखिए कितना मस्त एकदम ताज़ा ताज़ा करेला लेकर के आए हुए हैं। हाँ देखिए रंगीला बाबू का चिल्लाना शुरू हो गया, क्या बाबू कैसे चिल्लाता है बोलो तो? कल्ला ले लो कल्ला रे। तो हम लोग तो नहीं बेच लाए, तो उधर से हम लोग इधर आ गए दोस्तों, क्योंकि उधर बेचने के लिए नहीं दिया इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं। अब इधर देखते हैं इधर कस्टमर लोग आते हैं कि नहीं। तो अब चलते हैं दोस्तों, कस्टमर लोग को बुलाते हैं, है ना जी? आइए आइए, पाँच रुपया करेला, ताज़ा करेला, दस रुपये मार्केट खराब हो गया, मर गई। आइए आइए, पाँच रुपया करेला, ताज़ा करेला, हरा करेला, आइए आइए बारी का ताज़ा करेला लीजिए। देखिए बहुत देर के बाद में पहुँनी होने जा रहा है दोस्तों, आधा किलो कई ला अपन हम दे ला एक किलो बम काले कर दी है। देखिए 5 रुपया करेला बेच रहे हैं, तो अभी पहुँनी होने जा रहा है, क्या करेगा किसान? ऐसे ही में किसान जो है मार खा गया एकदम। आइए आइए करेला लीजिए, 5 रुपया किलो, 5 रुपये किलो लग गया ताज़ा करेला। देखिए अभी अभी 5 रुपया मिला है दोस्तों करेला का बेचा हुआ, बोहनी हो गया है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव। इतना सस्ता और इतना अच्छा करेला पूरा बाजार में नहीं मिलेगा। आइए आइए, 5 रुपया लग गया करेला, आइए छांट के लीजिए, चुन के लीजिए, बढ़िया करेला लीजिए, 5 रुपया करेला, 5 रुपया। आइए आइए आइए, ताज़ा करेला लीजिए, ताज़ा करेला लीजिए।
लीजिए लीजिए करेला लीजिए करेला लीजिए ताजा करेला लीजिए ताजा करेला। देखिए बोहनी होने के बाद में शुरू हो गया दोस्तों करेला बिकना। ये देखिए खुला है सनम, पाँच रुपया किलो ताजा करेला, पाँच रुपया किलो लीजिए 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 ताजा करेला लीजिए, ₹5 किलो। सस्ता लग गया है, सस्ता लग गया है, पूरा बाजार से सस्ता में दे रहे हैं। आइए आइए करेली ₹5 किलो पूरा सस्ता लग गया है, सस्ता लग गया है। आइए आइए लीजिए ताजा करेला। देखिए इतना करेला हम लोग का बच गया है दोस्तों। आज का बाजार एकदम पूरा खराब रहा, बहुत मुश्किल से कुछ बेच पाए हम लोग, है ना सोनम? बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ और हम लोग को लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा भी हो गया दोस्तों करेला बेचने के चक्कर में। और देखिए इतना मुश्किल से हम लोग बेच पाए हैं। देखिए इतना सब बच ही गया और बिक नहीं रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। ₹5 लगा दिए फिर भी नहीं बिक रहा है, बताइए किसान इसी में मार खा जाता है क्या अंकल जी? है कि नहीं? अंकल जी का भी देखिए पड़ा हुआ है, इनका भी नहीं बिक रहा है, खीरा है, तरबूज है। देश में तो ही आदमी सेवा कर रहा है, एक तो जय जवान और जय किसान। हाँ, लेकिन इतना सेवा करने के बावजूद भी हम लोग का जो है फसल बिक नहीं रहा है। इतना मुश्किल से खेती बाड़ी करते हैं, फिर हम लोग उगा करके ले आते हैं बेचने के लिए, लेकिन बिकता नहीं है। एग्रीकल्चर सेवा है, सेवा। देखिए इतना सा हम लोग का बच गया, अब इसको ले करके चलना पड़ेगा, क्या करेंगे? शाम भी काफी हो गया है, चाचा का तो इधर घर है इसलिए अभी बाद में जाएंगे, हम लोग का थोड़ा सा दूर में घर है, हम लोग को जाने में टाइम लग जाएगा, क्या सुना? चलिए अब चलते हैं, चलिए उठाइए। हम लोग 4 आदमी आए थे दोस्तों करेला बेचने के लिए, लेकिन आज हम लोग को बहुत ख़राब लगा। ऐसा लग रहा है ना कि अब हम लोग कभी नहीं आएंगे बाज़ार कुछ बेचने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं बिकता है ना, तो बहुत एकदम बुरा लगता है। इतना मुश्किल से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और फसल बेचने के लिए आते हैं बाज़ार, और इतना कम भाव में भी देने के बावजूद भी नहीं सब सामान बिकता है ना, तो बहुत ख़राब लगता है। तो अब हम लोग उठाते हैं दोस्तों, चलिए जी पकड़िए, चलिए गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। चलिए तो बाज़ार से हम लोग निकल गए हैं दोस्तों, अब फटाफट सीधे घर चलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।